सभी नतीजे आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह विजय प्राप्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के नेतृत्व में पिछले 3-4 साल से ये जो भारतीय जनता पार्टी की सभी जगह विजय यात्रा गुजरात और हिमाचल में भी ये विजय रथ आगे बढ़ा है। गुजरात में सबसे पहले गुजरात की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं। विजय का श्रेय गुजरात की जनता जनार्दन को देता हूं, क्योंकि छठी बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखते हुए जिस तरीके से विजय दिलाया है, छठी बार ये पूरे देश की राजनीति में एक नया इतिहास में सुवर्ण पृष्ठ ये आज सम्मिलित हुआ है, क्योंकि 22 साल के बाद फिर से 5 साल के लिए समर्थन देना, सरकार पर विश्वास करना, ये एक मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले गुजरात की जनता को मैं लाख लाख प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उनको मैं आश्वासन भी देता हूं कि आपकी इच्छा अनुसार आने वाले 5 साल जनता जनार्दन के जो उनकी इच्छा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, उन पर विश्वास। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से देश में भी गरीब, पीड़ित, शोषित, गांव, किसान सबके लिए जो अच्छी नीति बनाकर काम कर रहे हैं उसका समर्थन है। प्रधानमंत्री मोदी जी पर लोगों का अटूट विश्वास गुजरात में भी रहा है। वोट शेयर भी हमारे बढ़े हैं, 10% वोट इस बार भी ज्यादा मिला है, 49% से ज्यादा वोट मिला है। तो प्रधानमंत्री पर भरोसा, प्रधानमंत्री के ने जिस तरीके से काम किया है उसको समर्थन, उनकी नीतियों का एंडोर्समेंट और विकास जीता गुजरात जीता जो मोदी जी का एक सूत्र, इस तरीके से गुजरात की जनता ने आज इस नतीजे में राह दिखाई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उनकी व्यूह रचना, उनका मार्गदर्शन, नेतृत्व और जिस तरीके से गुजरात में जातिवाद, वंश परंपरावाद, तुष्टिकरण और इस बार गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने हल्का प्रचार किया और वातावरण बहुत कलुषित किया था, उस वक्त भी अमित शाह जी की जो स्ट्रैटेजी, उनका मार्गदर्शन, इस जीत में उनका भी बड़ा सहयोग रहा है, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। आने वाले 5 साल भी हम लोग विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। गुजरात के संगठन और लाखों कार्यकर्ता ने जो परिश्रम किया, जिस तरीके से दिन रात
पिछले कई दिनों से इस चैलेंज को एक उत्साह के साथ मिलजुल कर सभी लोगों ने काम किया। इन लाखों कार्यकर्ताओं का भी परिश्रम को भी नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन उन्होंने भी जिस तरीके से इस चुनाव को उठाया उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। गुजरात की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं विश्वास देता हूं कि अगले 5 साल विकास को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। अंतिम व्यक्ति तक इस विकास उनको वो अनुभव उस तरीके से इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और गुजरात ने जिस तरीके से एक मैच्योर पॉलिटिकल जो मैंडेट दिया है उसी दिशा में गुजरात हमेशा देश में रोल मॉडल और दिशा दर्शन करता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और उनको विश्वास भी देता हूं कि अगले 5 साल उनकी आशा अपेक्षा आकांक्षा सपना हम हर तरह से संजोएंगे और भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता को आभार प्रकट करती है। भाइयों बहनों, जिस तरीके से इस चुनाव में कांग्रेस ने जातिवाद का सहारा लिया, कांग्रेस ने तुष्टिकरण का सहारा लिया, कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर हल्के शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रचार किया, वातावरण बहुत कलुषित भी किया था, फिर भी गुजरात की जनता ने भाजपा पर विश्वास रखते हुए क्लियर मैंडेट दिया है कि भी एक बड़ी पॉलिटिकल विशेषता है। हिमाचल में भी 2/3 से ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया, कांग्रेस की सरकार को हटाया, बीजेपी के 19वां राज्य आज शासन में 19वां राज्य देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो इससे भी हम खुशी व्यक्त करते हैं और आदरणीय मोदी जी और अमित जी दोनों का हम अंतकरण से आभार प्रकट करते हैं। अमित भाई शाह ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज शाम को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, वहां फैसला होगा, जो पार्टी फैसला करेगा ये कोई हमारे लिए कोई प्रश्न नहीं। साहिब भाई विधायक पार्लियामेंट्री बोर्ड वहां तय करेगा क्या करना है, कब करना है, कौन ऑब्जर्वर जाएंगे, उसके बाद विधायक दल में नेता की चुनाव होगी। साहिब भाई, विजय भाई सवाल ये है कि एक तो ये कि चुनाव के पहले अमित भाई ने साफ कर दिया था कि चुनाव जो है आपके चेहरे पर लड़ा जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, और आप कह रहे हैं कि विधायक दल तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक दूसरा सवाल ये है कि इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भले ही बीजेपी जीत चुकी है लेकिन बीजेपी ने जो विकास का मॉडल बनाया था गुजरात का उसके आधार पर देश में चुनाव लड़े और गुजरात में चुनाव लड़ते समय एक बार फिर मोदी जी को यहाँ पर ले आना पड़ा और ऐसे में देखिए कि चुनाव मैंने बताया कि इस बार गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति में जातिवाद का सहारा, तुष्टिकरण का सहारा और वातावरण कलुषित किया, फिर भी गुजरात की जनता ने विकास को ही समर्थन दिया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला, ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। दूसरी बात कि परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है और 22 साल के शासन के बाद आप सब लोग
जब जब मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए थे तब वही सवाल पहला रहता था एंटी इनकम्पेंसी. आप लोग कहते थे कि आपको ये तकलीफ नहीं देगा, ये चैलेंज नहीं है. तो फिर भी 22 साल के बाद फिर से 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया है. ये भी एक बड़ी बात, बड़ी बड़ी बात है. और मैं मानता हूं कि चुनाव के नतीजे मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास है और गुजरात में विकास यही मुद्दा और उसको समर्थन जनता ने दिया. कपिल भाई, कपिल भाई, पहले सवाल का मैंने बताया कि मुख्यमंत्री में अभी हूं, मेरे नेतृत्व में इस चुनाव और फेस मेरा रहा है. अगला जो नए विधायक दल की बैठक होगी उसमें नेता चुने जाएंगे. ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रोसेस है और उसके बाद तय होगा. कपिल भाई, कपिल भाई, देखिए वो हमारी पार्टी में ये कोई प्रश्न नहीं है. पार्टी में सब लोग साथ बैठकर तय करेंगे और जो तय पार्टी करेगी उसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे. कपिल जी, चौकस हमारा लक्ष्य 150 हेतु, परंतु हाँ हमारा लक्ष्य 150 था. उस दिशा में हम लोगों ने प्रयत्न किया. मैंने बताया कि इस चुनाव में परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है हमारा, बहुत कई सीटें मैं मानता हूं 1000 से नीचे 200, 400, 300 वोटों से हम हारे हैं. और दूसरा 22 साल के बाद फिर भी 100 सीट लेना ये भी एक बड़ा पार्टी का विजय हुआ है. और 27 साल तक ये मैंडेट मैं मानता हूं कि भारत में कहीं कई प्रांत में नहीं हुआ है, इतना लोगों ने मैंडेट दिया. आप कैसे देखेंगे, आपने हार्दिक जिग्नेश और अल्पेश की बात करी, आपने कहा कि जिग्नेश और अल्पेश न केवल हारेंगे बल्कि उनकी जमानत जब्त होगी, वो लोग लगभग 20,000 के वोट से जीते, तो इस चुनाव में आपके जो 150 के एजेंडा को डिग्रेल करने के लिए. नहीं नहीं, देखिए जिस तरीके से वातावरण बढ़ रहा था, आपने बताया कि जिग्नेश अल्पेश जीते, शक्ति सिंह, सिद्धार्थ पटेल, अर्जुन मोढवाड़िया, तुषार चौधरी, ये सब हारे कांग्रेस के दिग्गज. ये भी एक चौका एक बड़ा इंटरेस्टेड रिजल्ट है. तो कांग्रेस के पूरा नेतृत्व हार गया है, तो ये चुनाव में एक नई दिशा दी है. न्यूज 24 देखिए वोटो परसेंटेज बढ़ाए, सीट कम हुई है, ये हम सिखाते हैं. लेकिन 22 साल के बाद क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाना ये भी एक बड़ी बात है. अनिल पटेल, अनिल पटेल, अनिल भाई, अरे कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट हमने ले ली है. अनिल भाई पटेल, हमने सामने रहता है. तमाम नहीं, कोई असर जो एवं हो तो सूरत में सऊदी बड़ा असर थे, राजकोट में ऐसा ही तीन लोगों के कारण चुनाव में सीटें कम आई है. तो सूरत में सबसे ज्यादा बवाल थी, सूरत में सभी सीट बीजेपी को मिली, मेहसाणा हम जीते, राजकोट जीते. तो ये सब एक ही कारण को हम नहीं ले सकते, सीट कम या ज्यादा अलग अलग सीट का अलग अलग कारण है. पूरा पटेल, पूरा पटेल, सर ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है कि क्यों बीजेपी 100 सीटों पर अटक गई, कुछ तो वजह रही होगी. देखिए मंथन की जरूरत है थोड़ी. नहीं नहीं, देखिए नो डाउट जो हम हारे हैं उसका हम विश्लेषण करेंगे और उसके लिए भी पार्टी में हम लोग पार्टी के वरिष्ठ लोग बैठकर उसका भी हम निकालेंगे क्या क्या खोजे हैं और वो भी दुरुस्त करेंगे. यस, जब 150 का लक्ष्य बनाया गया था उस समय 22 साल थे या नहीं मालूम था. फिर भी 22 साल के बाद भी 150 का लक्ष्य बनाया था हमने. हाँ, वो लक्ष्य बनाया था, उस दिशा में प्रयत्न भी हुआ और मैंने बताया परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाए, कई सीट 100 मत, 200 मत, 500 मत से हम हारे हैं. अगर
थोड़ा बहुत दो तीन परसेंट स्वीप हो जाता तो उस पर भी पहुंच सकते थे। दीक्षित भाई, विजय भाई आपके तीन मंत्री हारे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ आपकी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मंत्री भी जीते भी है, हमारे वरिष्ठ मंत्री भी जीते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग भी हारे हैं, ये तो चुनाव में इधर उधर होता ही रहता है। दिव्य भाषण, नहीं नहीं जातिवाद होगा, सत्ता में जी चाहू जातिवाद ना मुद्दा ऊपर जो चाहू हो तो सरकार भाजपनी न बनी हो। आज 9900 सीट मनवी 15 सीट खटी है एम हूँ समझ पर क्लियर मेजोरिटी सरकार बनी है। आवा जातिवाद वच्चे आवा तुष्टिकरण वच्चे आवा साव जेने हल्का प्रचार वच्चे कांग्रेस जे कहू એની વચ્ચે લોકોએ મત આપીને સોસી કહી છે, એ પણ મોટી ઘટના છે। ક્યાં હોતા ભવિષ્ય તો મેં કહી નહીં સકતા હું, લેકિન મોદીજી ક્યો નહીં રેલી કરતે? મેને બતાયા હૈ પહેલે ભી આપ સબકે સાથ ઇન્ટરવ્યુ મેં બતાયા હૈ કે હર ચુનાવ મેં પ્રધાનમંત્રી કી રેલીયાં હોતી હૈ, હિમાચલ મેં ભી હુઈ થી, યહાં ભી હુઈ, ઉત્તર પ્રદેશ મેં ભી હુઈ થી, કર્ણાટક મેં ભી હોગી। तो ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनकी सभाएं तो रहती है। राहुल ने भी रैलियां की, राहुल ने भी कितने दिन गुजरात में रहे, इंडिया के लिए। वो अमित जी को पूछिए, अमित जी मुझे देखिए, मानता हूं कि ममता जी का जो ट्वीट है वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, क्लियर मेजोरिटी मिला है और 22 साल के बाद भी 27 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल और, ये कोई कम बात नहीं है। देखिए सुप्रा साहब बीजेपी का तो नहीं हुआ है, 100 सीट मिला है, हो सकता है अमरेली जिला, लेकिन बांधवगढ़ जिला में सभी सीटें मिली है, राजकोट जिला में 8 में से 6 सीट मिली है, तो एक दो जिला में हो सकता है कम मिला है, तो ये हम लोग जरूर एक एक सीट कर बैठकर चिंता करेंगे, बाकी हम ऐसे सभी जिला के हम कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए बहन जी, देखिए बहन जी, पहले तो ये जो जिस तरीके से बिफोर नतीजे जो चर्चा चलती थी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब पाटीदार बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, ठाकुर लोग भी नहीं रहेंगे, मैंने बताया ना कि सूरत में सभी से कम जीते, तो कहां हार्दिक गया है? मेहसाणा जहां हाईली आंदोलन का जो सेंटर था, नितिन भाई अच्छी तरह से जीते, लोग कह रहे थे विजय भाई जीतने वाले नहीं है, जीतू भाई जीतेंगे नहीं, नितिन भाई जीतेंगे नहीं, और बारह वोट तो सब जीते, तो ये सब बातें क्लियर हो गई है कि नीचे समाज उनके साथ नहीं है, कांग्रेस के एजेंट के नाते काम किया है, आज भी उनकी जो कुछ बात चल रही है, बाइट हो रही है, सब कांग्रेस के इर्द गिर्द हो रही है, कांग्रेस की स्क्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है और जनता ने उनको स्वीकार नहीं। लास्ट क्वेश्चन, देखिए कांग्रेस का आई इस चुनाव के नतीजे में सबसे बड़ा तकलीफ कांग्रेस को हुई है, कांग्रेस के सभी दिग्गज आ गए, सभी कांग्रेस के लीडर एक साथ आ गए, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लीडर जीते भारी मार्जिन से जीते,
तो ये सारी बातें आने वाले चुनाव में दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में और तेजी से आगे बढ़ेगा। थैंक यू।